नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और यह जो सेशन होने वाला है सेंट्रल एसएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, एमटीएस या सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम लोग इतिहास के पाषाण काल से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और यह जो प्रश्न है यह आपका 2023 के एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार में सारे जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा कि कहाँ पर यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कि मिट्टी के बर्तनों का पता सर्वप्रथम ऑप्शन ए नवपाषाण काल में पता चला था। और यदि हम लोग देखें इसके अवशेष या पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ वर्तमान समय में आपका अब पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपका मेहरगढ़ स्थित है। और इस नवपाषाणिक स्थल से मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम प्रमाण हमें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, जिसे हम लोग हूफ मार्क्स कहते हैं, के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? कहां से हमें मवेशियों के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, मेहरगढ़, कोलडीहवा, महगड़ा और गुफ कराल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका कि जो खुर के निशान है ऑप्शन सी महगड़ा से प्राप्त हुए हैं। और ये महगड़ा है कहाँ? तो महगड़ा आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मेजा तहसील, ध्यान रखिएगा प्रयागराज जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में आपका बेलन नदी की घाटी में, ध्यान रखिएगा बेलन नदी की घाटी में यह महगड़ा आपका स्थित है। और वहीं से खुरों के निशान हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम लोग इसे विस्तार पूर्वक समझें तो महगड़ा से पशुबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। जब 1975 और 76 में यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ से गोलाकार झोपड़ी और चावल के साथ साथ विभिन्न जानवरों, जिसमें घोड़ा, हिरन, जंगली सुअर, बकरी, भेड़ आदि के हड्डियों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। और मवेशी पालने का जो उपक्रम था यह, उसके कारण वहां से हमें मवेशियों के खुर और उनके अवशेषों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? ऑप्शन है आपका सिक्का, उपकरण, कपड़े और एक कलश। तो ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक मनुष्य जो माइक्रोलिथ्स का उपयोग करते थे वह थे एक उपकरण। और माइक्रोलिथ्स का जो निर्माण था ये मूलतः पत्थरों से किया जाता था। और उसमें भी आपका क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट आदि पत्थरों से माइक्रोलिथ्स का निर्माण किया जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग हस्त कुठार के नाम जानते हैं, इनके द्वारा इन औजारों का निर्माण किया जाता था। और इस प्रकार के उपकरण का जो संबंध है ये आपका मध्य पाषाण काल से ये माइक्रोलिथ पाए जाते हैं।
और वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत के भीलवाड़ा, भारत में भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के पास स्थित एक स्थल है बागौर। बागौर आपका भारत में सबसे बड़ा नव आपका मध्य पाषाणिक स्थल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बागौर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल से ही शवों को दफनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी, उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा स्थल है? ऑप्शन है चिरांद, बुर्जहोम, हुनासांगी और मेहरगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है ऑप्शन सी हुनासांगी। और हुनासांगी स्थित कहाँ है? तो हुनासांगी आपका कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के उपकरण जिसमें कि आपका चूना पत्थर, जैस्पर, क्वार्ट्जाइट, अगेट आदि से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। और यदि हम लोग चिरांद की बात करें तो चिरांद आपका नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि सारण जिला बिहार में स्थित है। बुर्जहोम आपका नवपाषाणिक स्थल है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वहीं हम बात करें मेहरगढ़ की तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिंध, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन आपका राजस्थान ऑप्शन सी में स्थित है। और कालीबंगन जो है आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और यहाँ जो यह स्थल है यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है और कालीबंगन में इसका अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां, ध्यान रखिएगा कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होता है। घग्घर नदी के किनारे है, राजस्थान में है और इसकी खुदाई या खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष ने इसकी सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में खुदाई की थी। यदि प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से हमें अग्निकुंड, ध्यान रखिएगा अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि से किसी विशेष प्रकार का यज्ञ या किसी अन्य प्रकार का हवन आदि वहां पर किया करते थे। वहीं भवन निर्माण में कालीबंगन में जो भवन निर्माण किए जाते थे उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या था? एक घर, पत्थर के औजार, एक मकबरा या मिट्टी के पात्र। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेल्ट क्या था, तो पत्थर का एक औजार था। और पूरा पाषाण काल के विपरीत यदि हम लोग देखें तो इस काल की अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था और पॉलिश किए गए इन पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों को ही सेल्ट कहा गया। ध्यान रखिएगा पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों को नवपाषाण काल में सेल्ट कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या धातु युग या पूरा पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को ऑप्शन डी पूरा पाषाण काल कहा गया है। और इस कालखंड में वह समय था कि जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। पत्थर के औजारों का प्रारंभ उपयोग मनुष्यों ने पूरा पाषाण काल में ही करना प्रारंभ किया था। और यह जो काल है लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर लगभग 3000 वर्ष पूर्व ईसा वर्ष पूर्व तक इसे माना जाता है। और इस दौरान जो मनुष्य है उसकी जाति का 99% विकास जो है इसी पूरा पाषाण काल की अवधि में हम मानते हैं। और मध्य पाषाण काल का युग जब प्रारंभ हुआ था
तो मनुष्यों ने वहां पशुपालन करना प्रारंभ किया था, जिसका कि विकसित अवस्था हम लोग नवपाषाण काल में देखते हैं। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेषों की बात करें तो मूल रूप से तीन राज्य ध्यान में हमें रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से हमें पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पलबोय, मेहरगढ़, राणा घुंडई और बुर्ज होम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुर्ज होम से हमें गर्तावासों के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बुर्ज होम है कहाँ? तो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, और यहां से ही हमें मनुष्य के साथ कुत्तों को भी या कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। जब मालिक की मृत्यु हो गई थी इस नवपाषाणिक काल के स्थल पर, तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के साथ कुत्ते के जो समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वह प्रमाण हमें बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि मेहरगढ़ जो है यह आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यह नवपाषाण कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पशुपालन से भी यह स्थल संबंधित रहा है। और मेहरगढ़ की यदि हम लोग बात करें तो यह जो स्थल है यह पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इनाम गांव जो है वह कहाँ स्थित है। तो इनाम गांव आपका भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत के महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है, और यह जो स्थल है महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी, उसके किनारे पर आपका इनाम गांव स्थित है। और इनाम गांव जो है भारत का प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, और यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा था वह कृषि था। इसके अतिरिक्त वो पशुपालन भी किया करते थे, जिससे दूध और मांस का वो व्यापार किया करते थे। दूध और मांस के लिए जानवरों को इस गांव में इस संस्कृति के अंतर्गत पाला जाता था। तो इनाम गांव आपका भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल कोलडिहवा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कोलडिहवा जो है आपका यह पुरातत्व स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नवपाषाण स्थलों की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो खाद्यान्न का उत्पादन प्रारंभ हुआ था उसके लिए दो स्थल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पहला है आपका मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और दूसरा है कोलडिहवा। तो कोलडिहवा से ही 6000 BC में चावल या धान की कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, धान की कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से 6000 बीसी से पूर्व आपका धान की खेती का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। एक अन्य तथ्य यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि जो कोलडिहवा है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौन है आपका? तो कोलडिहवा प्रयागराज, जो प्राचीन इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्राचीन काल में या पूर्व में हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। वहीं इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल है आपका लहुरा देव, और लहुरा देव भी आपका उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिला
संत कबीर नगर जिला में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जहां से 9000 ईसा पूर्व मनुष्य के पदचिन्ह के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राचीनतम मानव के निवास के जो साक्ष्य हैं हमें, वह लहुरा देव संत कबीर नगर जिला जिला से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से हमें प्राप्त होते हैं। और लहुरा देव से ही हमें 7000 BC, ध्यान रखिएगा, 7000 BC में गेहूं की कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि प्राचीनतम चावल की कृषि का साक्ष्य हम लोग देखें तो कोलडिहवा से प्राप्त होता है। वहीं प्राचीनतम यदि भारत, वर्तमान भारत की बात करें, तो भारत में गेहूं के प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त होता है, जो लगभग कि 7000 BC के आसपास का यह साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? ऑप्शन है हथनौरा, पंचमढ़ी, पटने, संगन, कल्लू। तो प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की जो खोपड़ी है, वह ऑप्शन ए हथनोरा से प्राप्त की गई थी। और हथनोरा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हथनोरा स्थित है। और हथनोरा जो है आपका, यह नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। ये दोनों ही तथ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हथनौरा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी की घाटी में, जिला होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ जो है दिसंबर 1982 में 70000 वर्ष पूर्व मानव के खोपड़ी के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। और इसके जो खोजकर्ता थे वे थे अरुण सोनकिया और उनकी टीम के द्वारा इस अवशेष को नर्मदा नदी की घाटी में ढूंढा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं कुपगल, बुर्जहोम, गुफकराल या उत्तनूर। तो कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष ऑप्शन बी बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। और बुर्ज होम से इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि गर्तावास के साथ साथ मनुष्य के साथ कुत्तों के युगल समाधान की भी वहां पर हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल था। और वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गोदावरी नदी की सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के आपका गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा के तट पर आपका जोरवे संस्कृति का खोज किया गया था। और इसका जो समय काल है जोरवे संस्कृति का, यह 1400 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक माना गया है। और यहाँ पर इसकी जो खोज है वह एमएन देशपांडे सर के द्वारा की गई थी। एमएन देशपांडे सर ने जोरवे संस्कृति की खोज की थी। जोरवे संस्कृति के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की यदि हम लोग बात करें तो इसके प्रमुख स्थल थे जोरवे, दाइमाबाद, सोनगांव, इनामगांव, नासिक और चंदोली। ये सभी स्थल जोरवे कल्चर के प्रमुख स्थल थे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मस्की, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, बटकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और इस स्थल की जो खोज है वह डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ से पूर्व के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं प्रमुख साक्ष्यों के रूप में गर्तावास,
कुत्तों के साथ मनुष्य का समाधान आदि प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, द रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? ऑप्शन है विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा या वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा द रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम आपका रत्नाकर भी था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से तांबा या कॉपर प्राप्त हुआ था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भी राजस्थान में तांबे का उत्खनन किया जाता है, जो कि आपका प्रमुख तांबा का जो खादान है वह है आपका खेतड़ी का खादान, खेतड़ी का खादान, और यहीं से तांबा का उत्खनन वर्तमान समय में भी भारत में किया जाता है। और हड़प्पा वासी इसी खेतड़ी की खादान से निकाले गए तांबे का जो आयात है वह राजस्थान से करते थे। और खेतड़ी जो है आपका अरावली रेंज, अरावली रेंज जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसके तलहटी में स्थित है और विश्व में तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कुंतासी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा या मेहरगढ़। प्रश्न पूछा गया है कि नवपाषाण काल सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंतासी। कुंतासी क्या है? तो कुंतासी आपका गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ध्यान रखिएगा कुंतासी कहां है, तो कुंतासी गुजरात में स्थित है और यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी आपका बुर्जहोम की बात करें तो यह जम्मू और कश्मीर में है, कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में है और मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ ये तीनों नवपाषाणकालीन स्थल हैं। ध्यान रखिएगा नवपाषाणकालीन स्थल हैं। अगला प्रश्न है, भीम बेटे का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भीम बेट का आपका कहाँ स्थित है भारत में, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो है आपका प्राचीन मनुष्यों, जिसमें कि हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के यहाँ से अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ से प्राप्त गुफा चित्र विश्व प्रसिद्ध है, जो कि आदि मानव या पूरा पाषाण काल में निवास करने वाले मनुष्यों के द्वारा उन गुफाओं में चित्रित किया गया था। इसकी खोज 1957 से 58 के मध्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर, वाकाणकर के द्वारा, वाकाणकर के द्वारा किया गया था। और 2003 में, यह भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि 2003 में भीम बेटका की गुफाओं को यूनेस्को के सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। 2003 में भीम बेटका की गुफा को यूनेस्को के सांस्कृतिक स्थल की सूची में शामिल किया गया था और वर्तमान में यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी चीज या वस्तु सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मोहर, नाव या घर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहरों की जो प्राप्ति है वह सिंधु घाटी सभ्यता के वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। यदि हम लोग बात करें संपूर्ण मोहरों की संख्या की तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 प्रकार के मोहर प्राप्त हुए हैं। इस 2000 में से 1200 मोहर अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, कितने 1200। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था उस समय वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के चरम पर पहुंच चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे हमें प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश मोहरों का निर्माण सेल खड़ी से किया जाता था। इसके अतिरिक्त धातुओं का भी प्रयोग किया गया है मोहरों के निर्माण में। तो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए पाषाण काल से संबंधित जो सेशन था उनके सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूं
कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।